हैप्पी न्यू ईयर आप सबको और आपकी फैमिली को। आई होप आपका ये वाला साल भी बहुत अच्छा जाएगा। पिछला तो पता नहीं जैसा गया होगा वैसा गया होगा। और मेरे लिए भी दुआएं कीजिएगा कि मेरा साल भी बहुत ही अच्छा जाए और मेरा चैनल और ज़्यादा ग्रो हो, आप सब लोगों का सपोर्ट मिले। सो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में। हमने सोचा है कि नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन करके करते हैं। वैसे तो हम घर में भी पूजा करके आए हैं लेकिन सोचा कि मंदिर भी हो जाएगा और थोड़ा सा बाहर निकलना भी हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आशीष रुके हुए हैं, उनको कुछ काम था गाड़ी में। हमारी गाड़ी का ये स्क्रीन है, इसमें कैमरा दिखता है फ्रंट का, तो वो कैमरा ख़राब हो चुका है तो उसको सही कराने के लिए बाहर देखो आशीष वेट कर रहे हैं मैकेनिक का। और मैकेनिक अभी बिजी है, देखो यहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ ऑलरेडी खड़ी हुई हैं और कुंज यहाँ पे दूध पी रहा है। मैंने सोचा इतना आशीष अपना गाड़ी का कराते हैं, इतना कुंज को मैं दूध पिला देती हूँ। कई आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है और आशीष अभी भी मतलब हम यहीं पर ही, हम अभी तक निकले भी नहीं हैं और कुंजू भी दूध पी के यहाँ पे खड़ा हो गया है। ये देखो फ्रंट कैमरा लॉस्ट सिग्नल और अभी भैया इसको सही करने लगे हैं। देखो बोनट खुल चुका है हमारा आगे का और ये हमारा फ्रंट कैमरा सही हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर, ये फ्रंट का दिखाता है और ये पीछे का दिखाता है। सो हमारा फ्रंट कैमरा ओके हो गया है। थोड़ा सा ही टाइम लगा, मतलब मुश्किल से 1 मिनट लगी होगी भैया को सही करने में। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं। गाइस अभी फिर से एक और स्टॉप ले लिया है यहाँ पर आशीष ने, अभी हवा चेक करानी है उनको अपनी गाड़ी की। हम लोग फाइनली मंदिर पहुंच चुके हैं और यह है 500 साल से भी ज़्यादा पुराना सत्यनारायण जी का मंदिर जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। हम लोग 11-12 बजे तक पहुंच गए थे और कितनी लंबी यहाँ पर भीड़ है। आशीष लास्ट ईयर यहाँ पर आए थे न्यू ईयर के टाइम पर ही और उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, कुंज होने ही वाला था बस, तो इसलिए मैं नहीं उनके साथ में आ पाई थी। लेकिन वो अकेले आए थे और इसलिए इस बार वो मुझे भी लेके आए हैं। वो बोल रहे थे कि इस साल मैं तुम्हें भी उस मंदिर में लेके जाऊँगा। और ये है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुराना बरगद का पेड़, आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना लग रहा है। गाइस हमारा नंबर आने वाला है और देखो भीड़ कैसे बढ़ती जा रही है, बहुत सारे लोग आ गए और हमारे पीछे भी काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है। पीछे भी कितनी लंबी लाइन चुकी है। ये एक पूरी मंडली आई थी जिन्होंने इस तरीके का गले में ऑरेंज कलर का गमछा डाला हुआ था और उसके बाद यहाँ पर एक VIP भी आए थे, आप देख सकते हैं उनके आसपास काफ़ी भीड़ लग गई थी। और ये हम पहुँच गए हैं मंदिर के दरबार पर। अब मैं बताती हूँ आपको मंदिर में क्या चमत्कार हुआ। तो ये देखिए कुंज को ये पूरे टाइम सोता रहा जब तक हम लाइन में लगे और जैसे ही हमने स्टेप रखा मंदिर के बिल्कुल तभी ये एकदम से जग गया। और देखो पीछे से आवाज़ भी दे रहा है, मैं वॉइस ओवर कर दी तो पीछे से बोल रहा है, मतलब मंदिर में आते ही एकदम से उठा, जैसे हमने सीढ़ी पर रखा पैर और ये एकदम से उठा, एकदम मतलब अचंभे से उठा जैसे इसके अंदर ना कोई शक्ति आ गई हो। मैं उस टाइम इसका रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वरना अगर रिकॉर्ड कर पाती ना तो आप लोग भी उस चीज़ से रिलेट कर पाते कि हाँ ये किस तरीके से उठाता है, जो कि एक लिटरली चमत्कार से कम नहीं था। देखो जब आपके घर में छोटा बच्चा होता है ना तो ये सब चलता है। गाइस अभी हम आए हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि बहुत भूख लग रही है। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, नाश्ता भी नहीं किया था क्योंकि हमको मंदिर जाना था। और अभी आई थिंक 2:30 बज गए हैं और कुछ भी नहीं खाया सुबह से, तो कुछ खाने के लिए हम लोग हमने मंगाए थे छोले भटूरे एंड छोले कुलचे। मेरा छोले भटूरे खाने का बहुत मन था। गाइस खाना पीना हो गया, अभी हम जा रहे हैं घर। अब मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा अभी घर जाने का, लेकिन अभी कुछ बचा भी नहीं है, बस घर ही निकलना है इसलिए हम। और ये देखो कुंज को, तब से ये मेरी गोदी में था तो रोए जा रहा था, इसका बस अपने पापा चाहिए। अरे देखो कितना खुश है।
पापा के साथ हमेशा खुश रहता है कुंजना। हे गाइस, आके मैं सो गई थी, मुझे बहुत तेज नींद आ गई थी और अभी मैं सो के उठी हूँ। अभी बस खाना बना रही हूँ क्योंकि रात हो चुकी है। मतलब मैं 6 बजे उठ गई थी, उसके बाद मैंने पूजा की और अभी आशीष और कुंज दोनों सो रहे हैं और मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में मैं बना रही हूँ आलू, गाजर, मटर ना, यहाँ पर रेडी हो गया है। आज खाने में है चपाती, यह है मूली का सैलेड जो मूली को मैंने घिस के बनाया है, सब्जी और मक्खन। गाजर आलू की सब्जी बनाने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी गाजर मेरे पास बच गई थी, तो मैंने सोचा इनका मैं क्या करूँ, और मेरा कुछ मीठा भी खाने का मन कर रहा था और आज नया साल भी था, तो मैंने सोचा कि चलो आज फर्स्ट टाइम गाजर का हलवा ट्राई करते हैं। सो गाइस, गाजर मेरी यहाँ पर चॉप हो गई है, ये मैंने चॉपर में की है क्योंकि मुझे बहुत जल्दी करना था, कद्दूकस से बहुत टाइम लग जाता है। सो ये भी हो गई है, पहले मैं इससे ट्राई कर रही थी लेकिन इससे नहीं हुआ, इसमें बहुत मेहनत लगती है, इस तरीके का है। सो इससे हुई है थोड़ी बहुत सी, लेकिन ये बहुत ही हार्ड, मतलब इसमें मेहनत लगी थी एंड बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। सो मैंने फटाफट से चॉपर में अपनी सारी गाजर चॉप कर ली है, अभी फटाफट से हलवा बनाएंगे। सो गाइज, मैं पहली बार खुद से हलवा बना रही हूँ, मैंने आज तक नहीं बनाया है, एंड रेसिपी मैंने नेट से देख ली थी। सो देखते हैं कैसा बनता है। सबसे पहले हमने कढ़ाई में घी डाला है, अभी घी में गाजर को भून लेंगे अच्छे से। अभी गाइज, गाजर को भूनने के बाद हमने इसमें मिल्क ऐड कर दिया है। अभी तो मैंने ऐसे रैंडमली इसमें मिल्क ऐड किया है, बाकी धीरे धीरे ऐड करती जाऊँगी अगर मुझे कम लगा तो। सो गाइस, दूध तो हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, अभी हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर हम पहले इसलिए ऐड नहीं करते हैं कि अगर शुगर हम पहले ऐड कर देंगे तो हलवा चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। गाइस, मैंने ना इसमें क्रीम भी ऐड की है जिससे कि ये बहुत ही क्रीमी क्रीमी सा बने, क्योंकि मेरे पास मावा तो था नहीं, मैंने मावा तो ऐड नहीं किया बट क्रीम ऐड कर दी। गाइस, मुझे शुगर का कोई आइडिया नहीं था, मैंने ऐसे रैंडमली इसमें शुगर ऐड कर दी है, बस ये फीका ना लगे। वैसे मैंने इसमें काफ़ी सारी शुगर ऐड की है। गाइस, हलवा हो गया है रेडी, अभी हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स और खाएंगे। पहली बार बनाया है, मैंने पता नहीं कैसे बना होगा। गाइस, हलवा सर्विंग के लिए रेडी है एंड देखने में तो बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रहा है, पता नहीं खाने में कैसा होगा।